हम लोग क्या है कि सिर्फ लैंड सीमित रह गए हैं, इस धारणा से हम लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है इतनी फंडिंग दे रही है मनरेगा में, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं सीधा आप लोगों पे भी आरोप नहीं लगाऊंगा, हो सकता है आप लोगों में अवेयरनेस की कमी हो, लेकिन अब इतनी देर से स्कीम चल रही है तो अब तक हमें जो है इसका अंदाजा हो जाना चाहिए कि कितनी तरक्की होनी चाहिए थी और कितनी हुई है। मुझे खुशी है कि यहाँ पे आपने जो प्रोटेक्शन वर्क है ये नरेगा में बनाया है, ये कैपेक्स में बनाया है, इस तरह के एसेट्स बनाने की जरूरत है, गांव की तरक्की इसी से होगी। और दूसरी चीज जो मैं बताऊंगा कि आपकी जितनी भी प्लानिंग है वो जो है ग्राम सभा में ही हो, और प्लान आपने ऐसे बनाना है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट गांव वालों को हो। हम लोग क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे काम उठाते हैं, 1 लाख के 2 लाख के 3 लाख के, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हमने ऐसा नहीं किया है। हमने चाहे पंचायत PRI का प्लान है, चाहे DDC का है और BDC का, हमने हर जगह कोशिश की है कि हम थोड़े बड़े बड़े काम उठाएं जिससे हमें कॉन्ट्रेक्टर्स की तरफ से रेस्पॉन्स भी आए और उसका इफेक्टिवली यूज भी हो। तो यही चीजें मैंने बतानी थी आपको कि थोड़ा सा आप जो है अपने सजग रहे, अपने माइंडसेट से बाहर आए, कुछ प्रोग्रेसिव सोच रखें किस तरह से गांव की तरक्की करनी, क्योंकि पैसा अब आप लोगों के हाथ में है, नरेगा का पैसा भी आपके पास है और पंचायत वाला पैसा भी आपके पास है, सरकार के पास अब खुद कुछ नहीं रहा, अब सब कुछ पैसा जो है डाइवर्ज कर दिया है पंचायतों के पास। और करने का ये जो निर्णय था वो इसीलिए किया गया कि आप लोग बेहतर समझ सकते हैं कि आपके गांव में क्या जरूरत है और आपको क्या करना है, मंशा सरकार की यही थी। अब सरकार का लेकिन मंशा यह है कि ट्रांसपेरेंसी में, और हमें भी उसमें जो है सरकार का साथ देना चाहिए, हर चीज में ट्रांसपेरेंसी से हम लोग करें, सफाई का पूरा ध्यान रखें, जो SBM का हमारा बड़ा एक नारा है स्वच्छ भारत का, उसमें जो है, और मैं समझता हूं कि गांव वाले वैसे भी स्वच्छता को पसंद करते हैं, तो आप लोगों का बहुत अहम रोल है उसमें, गांव को स्वच्छ रखने की बात बता रहा हूं। तो इन्हीं शब्दों से मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, जय हिंद जय भारत। तागूद में आप लोगों ने आज मुझे बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत सारे मसले मसाइल पे बातचीत हुई, एक चीज जो सबने बोली वो सड़क की जो बात है, तो एक अपडेट आप लोगों को देना चाहूंगा। 15 अप्रैल तक आपकी जो तागूद बासदेवना की सड़क है उसका टेंडर हो जाएगा। उसकी जो पुरानी कहानी है वो ऐसी है कि जैसा आपने बोला कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉब्लम रहे, किसी ने